तीखे वाले खिलाने एकदम तीखे। हाँ सॉन्ट सॉन्ट छोड़ दो, एकदम तीखा होना चाहिए। मटर अलग रहता है, ये छोले हैं। मटर आलू समोसा, हल्के मसाले लग रहे हैं, करारा क्रिस्पी एकदम। पंजाबी में बोल रहा हूँ ना, कुलचे करारे मतलब क्रिस्पी, छोले करारे मतलब मिर्ची, डबल करारे मतलब वेजी पाजी स्टाइल। फलूदा बातें बातें करते ही लग चुका है, फलूदे में पड़ी कुल्फी और ये अब सिरप पड़ रहा है। चाट वाट का मजा तो रात में आता है, एकदम दिन डले काम खत्म कर करके बंदा आए। ये मतलब जिससे मतलब पहचान बनी है, जिससे मेरे पीछे है डीएवी कॉलेज की रोड सीधा सीधा चलते चलते आ रही है। अभी हम लोग है मड्डी रिफ्रेशमेंट्स पे, आपको दिखाएंगे समोसे अलग अलग चीजें, शाम का नाश्ता दिखा रहे हैं वेजी पाजी पे। वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जलंधर का खाना कैसा है देखते हैं। ये देखो जी समोसे आ गए फ्रेश बैच। पाजी की नाम है आपका? पाजी मेरा रजत राम जी। अच्छा ये मड्डी रिफ्रेशमेंट है, कहाँ है एड्रेस प्रॉपर क्या पड़ता है इसका? साडा पैंदा कबीर नगर, कबीर नगर रिफ्रेशमेंट जलंधर, जलंधर। अच्छा डीएवी कॉलेज के सीधी रोड जाती है? नियर डीएवी कॉलेज, नियर डीएवी कॉलेज। मैं समोसे आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, हर बंदे जो भी वीडियोस देखते हैं कहते हैं भाई समोसे जरूर खाने इनके, ऐसा क्या खास है? सर अच्छी क्वालिटी हो तो डेफिनेटली कस्टमर अट्रैक्ट करता है। हाँ जी कितना टाइम हो गया इसको? हमें सर नियरली 45 इयर्स हो गए। 45 इयर्स हो गए। हमारे ग्रैंड फादर और फादर फिर आगे हम समोसों से स्टार्ट किया था। हाँ जी हाँ जी समोसों से स्टार्ट किया था, आते आते पकौड़े वगैरह बाकी चीजें हो गई। भाई समोसों का एक बैच लग रहा है, मौसम भी एकदम वैसा हो गया है, शाम का माहौल भी वैसा हो गया है। 50 हो गया। टाइमिंग क्या रहते हैं भाजी? सर सुबह 9 बजे शामी 7 बजे तक, 9 से 7 बजे तक। समोसों का तो माहौल बन गया, बारिश थोड़ी थोड़ी हो ना मट्ठी मट्ठी। हाँ जी एक समोसा खाने के लिए भी लगा दीजिएगा। एक समोसा लगा दे, लगा रहे हैं, दिन भर चलते रहता होगा। फ्राई करा निकाला, फ्राई करा निकाला। समोसे के साथ चने भी मिलते हैं? छोले और समोसों का टेस्ट, बढ़िया सा मौसम, शाम का नाश्ता इन जलंधर। बस 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 आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मद्दी के समोसे। ऊपर पहले मौसम देखो यार, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। और ये हमारे पास आ गए हैं छोले समोसे की प्लेट, जिसके अंदर हम लोगों ने पनीर पकौड़ा भी डलवा लिया है। खोल के दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सा पनीर पोला पोला सा। पहले इसका टेस्ट लेते हैं। और जो मेरे को बता रहा है ना, इनके समोसों का टेस्ट बहुत सही है, साथ में हम लोगों को छोले दिख रहे थे हमने डलवा लिए, वैसे आप चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा पंजाब में ना एकदम माइल्ड माइल्ड स्पाइसी छोले मिलते हैं। समोसा देखो, मटर की स्टफिंग, मटर आलू समोसा, हल्के मसाले लग रहे हैं, करारा क्रिस्पी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बाइट। लेते हैं इसकी ऊपर से टॉप से, और ये चटनी और छोले वाली ये लेते हैं। यहाँ से सीधा ना डीएवी कॉलेज निकल जाएगी रोड, यहाँ से सीधा लेके आए देंगे, एक राइड लेंगे तो हम लोग अपनी वीडियो की दूसरी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको छोले कुलचे मिलेंगे दीनानाथ के, बड़े फेमस है वो भी, आप लोगों ने काफ़ी रिकमेंड करे थे। इसको ख़त्म करते हैं और उसका भी जायका लेते हैं जलंधर का, शाम का नाश्ता दिखाते हुए। आओ भाई, बढ़िया बढ़िया से करारे करारे से समोसे निकलने शुरू हो गए। मद्दी वाले समोसे भी इनके बड़े माइल्ड स्पाइसी होते हैं, छोले भी इनके बड़े माइल्ड स्पाइसी होते हैं, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है। साथ में पेयर करो इनके साथ चाय, ओह आपकी बन जाएगी शाम। आप तो थोड़े स्पाइसी लगे? नहीं मेरे को तो माइल्ड लगे एकदम, बढ़िया चटपटे माइल्ड से नाइस। ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन, आओ समोसे निकलेंगे और आप देखो आप कुलचे छोले डन। डीएवी कॉलेज के बिल्कुल बाहर रहते हैं, दीनानाथ छोले कुलचे हैं। अच्छा ये मटरा बोलते हैं ना इसको? छोले 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 ही रहते हैं ये। अच्छा मटरा अलग रहता है, ये छोले है। अच्छा क्या रुपए प्लेट रहता है इसका? 30 रुपए। तो मसाले वगैरह दाल डोल के क्या कितने बजे तक मिलते हैं? 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 बजे तक? हाँ जी। ये इमली की खट्टा पानी है? हाँ जी। खुशबू आ गई पानी डालते ही ना एकदम रच गए। साथ में कुलचे मिलेंगे, दो कुलचे छोले, ऊपर से प्याज टमाटर डाल डूल के, बहुत सही। और ये प्याज धनिया पड़ फोड़ के डन। एक कुलचे लगा दीजिए हमारे, कुलचे करारे हो जाएंगे। हाँ और चने करारे हो जाएंगे।
हो जाएगी मतलब मतलब वो मिर्च थोड़ा करारे पंजाबी में बोल रहा हूँ ना, कुलचे करारे मतलब क्रिस्पी, छोले करारे मतलब मिर्ची, डबल करारे मतलब वेजी पाजी स्टाइल। अच्छा रिफाइंड में सीखते हैं ये, मक्खन में सीखते हैं। कितना टाइम हो गया इसका यहाँ पे? 45। अच्छा डीएवी कॉलेज के बाहर ही है। हाँ अच्छा, सिर के वाले प्याज होते हैं कुछ मेन, वो आज खत्म हो गया अभी भाई। इसके लिए तो जगह ढूंढते हैं, बहुत गर्म है, मेरे हाथ एकदम गर्म गर्म और गर्म हो गए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने शाम के नाश्ते की दूसरी जगह, डीएवी कॉलेज के जस्ट बाहर है। अभी डीएवी कॉलेज के साथ वाली रोड पे थे, समोसे खा रहे थे, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ गए, अभी थोड़ी देर में और आगे चले जाएंगे। और दिन अभी जैसे देख रहे हो ऊपर ऊपर देखो, मस्त एकदम मौसम बढ़िया हो रखा है। ये अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और रात में हम लोग खाएंगे, है ना। और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, पेड़ पूड भी सब सही है, मतलब एकदम वाइब आ रही है। और अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और हम लोग चाट वाट खाएंगे। आएगा एकदम कुलचे करा रहे, छोले करा रहे, खट्टे मीठे, वेरी नाइस। मेरे हिसाब से जैसे वो वाली जगह है जैसे कॉलेज के बाहर अड्डा होता है ना लोगों का, हमारे कॉलेज के बाहर भी एक छोले कुलचे वाले भैया होते थे, मतलब भेलपूड़ी वगैरह। तो ये डीएवी कॉलेज के बाहर जो लोग आके खाते हैं, मतलब कॉलेज में जो लोग आते हैं वो यहाँ से खाते होंगे, उनकी ना यादें जुड़ी होगी इस छोले कुलचे से। छोले कुलचे हर जगह आपको ऐसे मिल जाते होंगे, बट ये छोले कुलचे डीएवी वाले लोगों के लिए बड़े यादगार रहे होंगे। मैं वही कह रहा था कि जैसे छोले कुलचे तो ऐसे मिल जाते होंगे बहुत, पर यादें यहीं से जुड़ी होगी। मेरे को 12 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। अच्छा फिर भी हम यही पे आते हैं। हाँ क्योंकि वो टेस्ट दिमाग में बैठा हुआ है और उससे ज्यादा जो यहाँ पे गप्पे और गुफ्तगु होती होगी छोले कुलचे की प्लेट में, बहुत ज्यादा उनके दीनानाथ जी की। अब इस छोले कुलचे को फिनिश करके चाट चूट खाते हैं। आपके जलंधर में लोग प्यार से बड़ा अच्छा खिलाते हैं, मजे से खिलाते हैं बड़ा। हाँ ये बात सही है। चलते हैं भाई, शाम से हो गई है रात, बढ़िया बढ़िया बादल ट्रांजिशन कर चुके हैं इनटू बढ़िया बढ़िया चाट और पकौड़ियाँ। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बिट्टू परदेसी पे, खाने वाले हैं गोलगप्पे टिक्की और जो दिखेगा और लपेट लेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, मजा आने वाला है। पहले गोलगप्पे की एक प्लेट लगवाता हूँ, सूजी वाले। आप बताओ कॉमेंट्स में आप कौन से वाले बंदे हो, सूजी आटा, हु आर यू, टेल अस इन द कॉमेंट्स। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आटे वाले लोग ज्यादा खाते हैं, आटे वाले पूरे भरे हुए, सूजी वाले अंदर कहीं छुपे हुए हैं। 20 के 5 पीस है, क्रिस्पी क्रिस्पी, तीखे वाले खिलाने, एकदम तीखे। हाँ सॉन्ट सॉन्ट छोड़ दो, एकदम तीखा होना चाहिए। एक सॉन्ट वाला भी खिला दे रहा। शाम की वीडियो में गोलगप्पे वगैरह नहीं दिखाए, मज़ा नहीं आता ना, वो वाइब क्रिएट करनी होती है ना, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं ज़्यादा गोलगप्पे खाता नहीं। हाँ जोक्स। गोलगप्पे पे लगाते हैं फुल स्टॉप और लगवाते हैं अब अपनी टिक्की। ठंडा ठंडा गोलगप्पे का पानी नहीं पिया तो फिर शाम की वीडियो कैसे कंप्लीट हुई। एक ना सिंगल टिक्की खाने के लिए लगा देना। क्या इसमें टिक्की के अंदर स्टफिंग भी होती है? जी जी। किसकी होती है? पनीर देख रहा हूँ, पनीर मटर छोले का दाल है। अच्छा और अदरक है। अच्छा और हरी मिर्च है। बढ़िया है तो मटर है। अच्छी खासी स्टफिंग बना रखी है आपने। हाँ जी, हाँ। एक सिंगल जो टिक्की करोगे ना हमारी एकदम करारी, जितनी करारी हो सके। अच्छा यही वाली टिक्की बर्गर में भी पड़ती है? जी जी। अच्छा बर्गर में नूडल वगैरह के साथ पड़ती होगी ना, नूडल मेयोनीज वगैरह के साथ? जी भाई बर्गर तो नहीं खाना, टिक्की देसी टिक्की। इधर पंजाब में नूडल बर्गर का बड़ा वो है ना क्रेज है, बर्गर में नूडल डाल के। अच्छा और ये आलू एकदम वो रहता है जी, मैश्ड आलू है। अच्छा जैसे आलू पराठे में वो आलू पराठे में जैसे आटा रहता है ना उसके अंदर आलू स्टफिंग होती है, वैसे ये प्योर आलू की स्टफिंग है मैश्ड, और उसके अंदर पनीर मटर और बाकी सारी अलग अलग चीज़ें मसाले मसूलों की पिट्ठी भर के पटाख पटाख। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। हाथ बड़ा फास्ट है आपका। कितने से कितने तक रहता है यहाँ पे सामान? क्या टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पे? सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा सुबह से सारी चीजें बनती है? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया, दैट इज आल्सो नाइस। और ये चाट वाट का मजा तो रात में आता है, एकदम दिन डले काम खत्म कर करके बंदा आए थोड़ा। सिंगल पहली बार सेक रहे हो ना, फिर उसके बाद डबल सेक हो गया ना तो एकदम करारी हो जाएगी। वो सिंगल फ्राई है, वो सिंगल फ्राई है वही ना, इसको बाहर निकालोगे फिर उसको डालोगे तो वो डबल फ्राई हो जाएगी। सिंगल वाली तो फ्राई वाली रखते रहते हो गए। अच्छा ये तोड़ रहे हो ताकि और करारी हो जाए। ये क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की आ गई, इस पे
दही चटनी वगैरह डाल डोल के ना। हाँ डालो डालो डालो, जैसे बनाते हो मजे से बनाओ। क्या एरिया कौन सा पड़ता है, एड्रेस क्या पड़ता है इसका? जोर मार्केट बिट्टू परदेसी। बिट्टू परदेसी सिंपल। टिक्की डन, टिक्की डन होगी। बल्ला पे लगा दो एक। अच्छा, ये वाले बल्ले और उस बल्ले में क्या फर्क है? वो बल्ला है, लड्डू है, मूंग दाल का। अच्छा मूंग दाल का लड्डू है, उसको भी दही के साथ ही देते हो? हाँ। अच्छा ये बड़ा आलू। अच्छा हल्दी वाले आलू है। बढ़िया, दही चटनी डाल के ये भी डन। दोनों हम लोगों ने हाफ हाफ प्लेट ले लिया, टेस्टिंग हो जाएगी। सिंपल ऊपर लच्छे पड़े और डन। ठीक है जी, धन्यवाद। इवनिंग स्ट्रीट फूड इन जलंधर का बहुत बढ़िया वाला सेगमेंट आ गया। आइए देखो, ये टिक्की है, ये भल्ला है। पहले टिक्की से स्टार्ट करता हूँ, क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगी। चटनी चुटनी डाल के ना, आ हा मस्त। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट। टिक्की करारी है और वो जो उन्होंने स्टफिंग करी हुई है ना अंदर से, उसमें ना तरह तरह के मसाले भी डाल रखे हैं, तो उसका और टेस्ट एनहांस हो रहा है। नाइस, क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की, नाइस। अब बल्ले पर अटैक करते हैं। बल्ला यहाँ पे देख रहा था, एक था दही बल्ला, एक था राम लड्डू, जैसे मूंग दाल का लड्डू होता ना उसका भी ऐसे ही बल्ला टाइप का चाट वगैरह बनता है। इसमें ना आपको, दिस इज जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू फील दही ठंडा ठंडा, जैसे गोलगप्पे का ठंडा ठंडा पानी कुछ लोग पीते हैं ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप ये वाली चाट खाओ। और ये वाली चाट इज प्योर फॉर दैट क्रिस्पीनेस चटनी और वो चाट के चटपटे वाले वो वाला टेस्ट। और अभी चलते हैं, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। लेट्स गो एंड फाइंड आइसक्रीम, बड़ी फेमस है यहाँ पे क्रीमिका की आइसक्रीम, तो वहाँ चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। पहले टिक्की पे एक और अटैक करता हूँ। टिक्की तो बहुत सही है भाई, ये टिक्की जो है ना, आपको मेरे को मतलब घर में सब लोगों को ये टिक्की पसंद आएगी, हमारे घर के पैलेट के हिसाब से। अभी हम लोग ना क्रीमिका पे अपने दिन की लास्ट लोकेशन पे आए। मेरे पे मत डालो, उधर कैमरा डालो। यहाँ से कुल्फी फलूदा लेंगे, आइसक्रीम लेंगे और अलग अलग चीजें हैं भाई। धीरे धीरे ना ये जैसे होता है ना, ब्रांड ग्रो कर जाता है इनटू मल्टीपल थिंग्स, तो ये अलग अलग वर्टिकल्स आ गए। मैं तो यहाँ पे सुपर एक्साइटेड हूँ इनकी वो जो कोन वाली आइसक्रीम होती है ना उसको ट्राई करने के लिए। और यहाँ पे हमारा फलूदा बातें बातें करते ही लग चुका है। फलूदे में पड़ी कुल्फी और ये अब सिरप पड़ रहा है, गोंद पड़ रहा है, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, फलाना ढिमकाना, लुक सो ब्यूटीफुल। डन डन, दे दो जी, दे दो, आ जाओ जी, डन। और एक उधर, एक इस पे जरा फोकस मारो, फ्रूट क्रीम पे। ये भी बड़ी कमाल की लग रही है ना, लुक्स वेरी ओ दैट थिंग। फ्रूट क्रीम का ना पर मजा जो है ना, एकदम गर्मी हो गई, एकदम जबरदस्त गर्मी पड़े ना तब खरीदे फ्रूट क्रीम। छोटी छोटी रसमलाई है, छोटी छोटी रसभरी है, बस 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 बस, टेस्टिंग टेस्टिंग ओनली टेस्टिंग। मेरे को लग रहा है हम लोग इतनी सारी चीजें डलवा ले, आइसक्रीम की जगह ही ना बचे पेट में। ये लो दीक्षांत भाई, ये आप खाओ, ये मैं खाता हूँ, और एक आइसक्रीम बाद में ले भाई, साथ में ले ले। मॉडर्न मॉडर्न जैसे डिजाइन्स वगैरह आ गए ना, मॉडर्न स्टाइल्स आ गए सर्व करने के, तो ये क्या कहते हैं, लाइव आइसक्रीम होती है वो, रोल्स, आइसक्रीम रोल्स। हाँ आइसक्रीम रोल्स वो, या फिर एक यहाँ पे वो नाइट्रोजन वाली आइसक्रीम भी है, जिसको ऐसे तो नाइट्रोजन बिस्किट जिसको खा के ऐसे धुएं छोड़ते हैं, वो सारी प्रेजेंटेशन है। आप इसकी प्रेजेंटेशन देखो और हम लोग खाएंगे इनकी सुपर स्पेशल वाली आइसक्रीम खाएंगे, वो रेमिनिसेंट ऑरेंज कोन में। मेरे को बड़ा मन है उसको खाने में, क्योंकि ये सारी चीजें ना आजकल मिल जाती है पर वो चीज नहीं मिलती। अच्छा ओहो, ये भी दैट इज नाइस, बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ऊपर हल्की सी सॉफ्टी वाली आइसक्रीम डाली और अब इसके अंदर डेकोरेशन वगैरह कर कर के, ओह दैट इज नाइस, इसकी फुल ऑन डेकोरेशन वगैरह हो रही है। मैं इतनी सारी चीजें ले ली, एक आपकी एक मेरी एक बड़े पाजी की, डन डन है। इसको लेट इट बी, ये डेकोरेशन वगैरह इसकी होते रहेगी, हम लोग अपना वो स्कूप लगवाते हैं। यही वाला फ्लेवर है ना, पूरी पावरफुल साथ बना, बस वही चाहिए, वो ऑरेंज वाले कोन में। हाँ एक स्कूप वो वाला दे दो, सुपर क्रीमिका, सुपर क्रीमिका स्पेशल, एक एक सुपर क्रीमिका स्पेशल कोन देना, कोन में, कोन में, कोन में, कोन में, हाँ एक स्कूप ये वाली है। अच्छा
ये मतलब जिससे मतलब पहचान बनी जिससे रूटीन में लगाते ना जैसे वैसे लगाना सिंगल ही डबल लगाना पड़ेगा पंजाब आया खिला के भेजोगे ये टू स्कूप लग रहे पंजाब में लोग पूरा खिला के भेजेंगे अच्छा हाँ बाकी डिमांड है कस्टमर की डिमांड में सिंगल स्कूप जाने खाना जाते अच्छा ये कितना पुराना ब्रांड है 1969 से वेरी ओल्ड ये है जिससे मतलब ये क्रीमिका की शुरुआत हुई थी ना वो वाली चीज वेंचर आउट करते करते अब इतनी पुरानी दुकान है ये और ये चीज है आ गई नाइट्रोजन आइसक्रीम तब आइसक्रीम टेस्ट करते हैं इससे पहले पिघल जाए आइसक्रीम का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है आ जाओ अपने दिन की लास्ट लोकेशन पे आ गए हैं और भाई साहब पेट भी भर गया है और इतना बढ़िया मतलब इवनिंग स्नैक्स का कॉम्बो बनाना अब यहाँ पे पहले फलूदा से स्टार्ट करेंगे फ्रूट क्रीम पे बढ़ेंगे और उसके बाद ये शो स्टॉपर बहुत सही है मतलब जैसे फलूदा कुल्फी होती है ना इसमें सारी जो इसकी जान है ना कुल्फी में है एकदम क्रीमी कुल्फी ड्राई फ्रूट्स एकदम बढ़िया माहौल बना रखा है यहाँ से बढ़े आगे आ जाओ इधर फ्रूट क्रीम पंजाब में आओगे ना आइसक्रीम तो होती है बट फ्रूट क्रीम होता है फ्रूट क्रीम क्या होता है बेसिकली फ्रूट्स को क्रीम आइसक्रीम नहीं क्रीम क्रीम के साथ मिक्स कर दिया तो उसका टेक्सचर ऐसा ऐसा बन जाता है देखा था ना अभी आपने पीछे और ये है आइसक्रीम जिसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है वरना वह पिघल जाती है नाइस मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का बट मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेट भी भर चुका है वेरी नाइस और अब ये इनकी सुपर क्रीमी का स्पेशल यार ये वाला कौन ना बचपन में बहुत खाते थे बड़ा मज़ा आता था इसका ना एक अलग ही नॉस्टैल्जिया है और ये अभी डबल स्कूप डल के ना इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना मन कर रहा है बस देखते रहूं बट पिघल जाएगी इसलिए किसी महापुरुष ने बोला है ईट एज इफ नोबडी इज सीइंग यू वो महापुरुष शायद भेजी भाजी है आइसक्रीम लस्सी वगैरह इन सब में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है पर मज़ा पूरा आता है फुल ऑन यार इसको तो लो गाड़ी में बैठ के खाओ और गप्पे मारो अपने उन वाले दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा नहीं आएगा मज़ा आ जाएगा ऐसी बढ़िया बढ़िया एडवाइस देते हैं वेजी पाजी सब्सक्राइब कर दो वीडियो लाइक कर दो मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं पूरा पैकेज मुझे बड़ा पसंद आया क्रीमिका के ना अलग अलग स्टोर्स हैं आप जलंधर में सर्च करोगे गूगल मैप्स पे आ जाएगा ये वाले कौन से वाले पे आए हैं हम लोग हम इनके आए हैं मेन आउटलेट पे जो नेहरू गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट नेहरू गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट है जो मेन वाला इनका है आई थिंक पहले क्रीमिका आइसक्रीम था उसके बाद केक्स भी आ गया मिठाई वगैरह सब कुछ आ गया अभी एक्सपेंड कर लिया अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया पर हमारा पेट एक्सपेंड नहीं हुआ तो हम लोगों ने सिर्फ इनका भी मीठा ये वाला सेक्शन आइसक्रीम वाला एक्सप्लोर करा मज़ा आ गया अब आपसे बात करेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो में खाना खाते हुए आइसक्रीम बड़ी सही है बट लोडेड हो गई है इससे पहले कि गड़बड़े हुए मैं कैमरा बंद करता हूँ और फिर बाय बाय